हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग कर्व। लर्न टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। आई होप तो लास्ट लेक्चर समझ आया होएगा। तो जे किसी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी है तो अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन जरूर लिखे। कुछ स्टूडेंट्स ने पहला अकाउंट्स नहीं पढ़िया होंगे, उन्होंने थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट जो तुम वीडियो दोबारा देखोगे तो तुम समझ आ जाएगा। आप सिर्फ पेपर लिए 10 मार्क्स का आप तैयार करना है, आप बहुत डीप नहीं जाना, सिर्फ समझना करवाया जा रहा है तो सिर्फ उसी ओना ही करो, ठीक है। सो अज का अपना टॉपिक है रेशो एनालिसिस। अज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर च एक 1 to 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, ठीक है। रेशोज़ काफ़ी सारी हैं बट आप सिर्फ दो करके ही आप रेशोज़ कंप्लीट करेंगे, जिन्हें इंपॉर्टेंट ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ना वही मैं थानू करवाऊँगी, ठीक है। ये अपना लेक्चर 13, टॉपिक है अपना रेशियो एनालिसिस, ठीक है। रेशियो एनालिसिस आपां आज 2 रेशियोज आपां डिस्कस करांगे, सिर्फ पहली होएगी अपनी करंट रेशियो, दूसरी होएगी अपनी क्विक रेशियो। ठीक है, आज सिर्फ अपा आही 2 रेशियो पर डिस्कस करांगे। दोनों बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बस तुसी ध्यान च की रखना है वो अपा डिस्कस कर दें कि करंट एसेट्स केड़े होंदे है, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़, बस ये चीज़ा ध्यान च रखनी है। सब तो पहले आप कर दें करंट रेशियो। करंट रेशियो, ठीक है, सब तो पहले तुम इसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला नोट डाउन करो। इसका फॉर्मूला की होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला है, पहले इस फॉर्मूले नोट करो अपने नोटबुक पे। हम सब तो पहले आप देखते हैं कि करंट एसेट्स केड़े होंगे है। ए साइड आप लिखेंगे करंट एसेट्स, ए साइड लिखेंगे आप करंट लायबिलिटीज। अब पहले भी डिस्कस किया था करंट एसेट्स होंगे केड़े है। करंट एसेट्स होंगे सब तो पहला कैश, ठीक है, तो वो वाले एसेट्स जिहड़े 1 साल के अंदर अंदर कैश च कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते डेप्टर्स केड़े होंगे, डेप्टर्स कौन होंगे आप डिस्कस किया, परसनस जिन्हों तो आप पेमेंट लेनी होंगी है, तो वो 1 साल के अंदर वो कैश कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये की ने अपने करंट एसेट्स। शॉर्ट टर्म लोनस जोड़े होंगे है, ठीक है, जो आप कुछ 4 मंथ्स या 6 मंथ्स लिए आप लेने लोनस वगैरह, और आप कहने करंट एसेट्स, सॉरी आप लोन दिने किसी परसन, जो आप कोई लोन लिया शॉर्ट टर्म लिए अपनी की होगी करंट लायबिलिटी। अगर आप किसी परसन लोन दिता है कुछ मंथ्स लिए, है ना, जो 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट वापस आ जाएगी, उन्होंने आप कहने करंट एसेट्स। बस उसे ये ध्यान रखना कि करंट एसेट्स वो होंगे जो 1 साल के अंदर अंदर कैश से कन्वर्ट हो जाते हैं। सब तो पहले आप देखा करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह की होंगी है, एक होंगी लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म हो सकती है 5 ईयर्स लिए, 10 ईयर्स लिए, 3 ईयर्स लिए, और आप काउंट नहीं करांगे करंट एसेट्स, आप काउंट करांगे करंट इन्वेस्टमेंट जी आप कुछ मंथ्स लिए आप की होंगी है, ठीक है। उस तो बाद क्या आता अपना इन्वेंट्री, इन्वेंट्री
पेपर च हो सकता है कि तुहानू कुछ वर्ड्स नवे आन कुछ वर्ड्स पुराने आन तुसी कन्फ्यूज नहीं होना। इनवेंट्री का दूसरा नाम की होंदा है स्टॉक। ठीक है, पेपर च कन्फ्यूज नहीं होना कि मैम ने इनवेंट्री तो करवाया ही नहीं। हो सकता तुहानू इनवेंट्री आए, हो सकता तुहानू स्टॉक लिखा है, सेम थिंग होंदी है स्टॉक तो इनवेंट्री। या पेपर च स्टॉक लिखा आएगा या पेपर च इनवेंट्री लिखा आएगा, दोवें इकट्ठे नहीं आएंगे। ठीक है, उस तो बाद अपने आते ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल ठीक है, और इन्दे विच की होएगा अपने क्योंकि ही ऐड होएगा डेप्टर्स ते बिल्स रिसीवेबल। मैं बी आर लिख देता है, बी आर मीन्स बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल दे अंडर की आते हैं डेप्टर्स ते बिल्स रिसीवेबल। इस ये दोनों कौन होंगे है जिन्हें तो आप पेमेंट लेनी होंगी है। ठीक है, आप कुछ अमाउंट इन्होंने तो लेनी होंगी है। नैक्सट की है अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब की है कैश, ठीक है, या जो जो कैश दे बराबर दे है लाइक बैंक। ठीक है, बैंक तो जोड़े अपनी अमाउंट पई होंगी है वो भी अपनी कैश आपू जो मर्जी आप कैश निकलवा लिए या डिपोजिट करा लिए। ठीक है, ये भी अपने किड़े आते हैं करंट एसेट्स। नेक्स्ट की अपना शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आप किसी नू कुछ लोन दिता हों, कुछ एडवांस दिता हों। ठीक है, तो वह भी अपने अपने की होंगे करंट एसेट्स। मीनस जे उ जो तो आप एक साल के अंदर अंदर आपू कैश कन्वर्ट कर सकते हैं। होर की आ सकता है प्रीपेड एक्सपेंसिज। आप कुछ एक्सपेंसिज प्रीपेड किए हैं, मीनस आप पहले ही एडवांसड पे किए हुए हैं, उन्होंने की कहने प्रीपेड एक्सपेंसिज। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मीनस वो इनकम जी आप ड्यू हो गई है बट हजे आप मिली नहीं है, वो इनकम जी ड्यू हो गई है तो आप मिली नहीं है। आप सपोज करो कि आप किसी परसन लोन दिता हो, ठीक है, उस परसन ने आप इंट्रस्ट पे करेगा तो आप डेट फिक्स की हुई है कि फस्ट ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, वो आपू पे करेगा बट हजे तक उन्हें पे नहीं किया तो की हो गया, आप तो लैन के हकदार बन गए ना। ठीक, और हजे आपको मिली नहीं है बट आप हकदार तो है लैन के, कहने एक्रूड इनकम मीनस ड्यू हो गई है, आपको मिली नहीं है, मिल जाएगी थोड़े दिन तक। ठीक है, इन्हें अपने करंट एसेट्स। हूँ आप देखनी है करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, सब तो पहले आएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मीन्स आप किसी पर्सन तो कुछ बोरिंग्स की कुछ अमाउंट ले ही हुई है। ठीक है, बोरो की हुई है कुछ तो अपनी की है लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अपनी होंगी कि आप पहले यही डिस्कस कर लें क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने पहला अकाउंट्स नहीं पढ़िया होंगे उन्होंने टर्म्स भूल जाती है, आप दोबारा डिस्कस करते हैं। लाइबिलिटीज़ की होंगी है ओबलीगेशन टू पे मीनस आप अपने तक एक उधार होंगे। ठीक है, आप वापस करने हैं, लाइबिलिटीज़ मीनस ओबलीगेशन टू पे। नैक्सट की आप इतने डिस्कस किया ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, इधर की आएगा ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स मीनस वो परसनस जिन्होंने आप कुछ पेमेंट पे देनी है। ठीक है, इन्हें विच कौन कौन आएंगे, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। ठीक है, ट्रेड पेएबल्स कौन कौन आएगा, क्रेडिटर्स ते बिल्स पेएबल। ये दोनों वही परसनस होंगे जिन्हों तो आप पेमेंट आप देनी होंगी है इन्हों पेमेंट। ठीक है, नैक्सट की है आपां नूं कुछ इनकम रिसीव हुई है एडवांस्ड।
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अपन कुछ एडवांस इनकम जो अगर रिसीव हुई है तो वो अपने की है करंट लायबिलिटी। सर आप पहले ये डिस्कस करते हैं कि आप रेशोज यूज़ क्यों करते हैं। रेशोज तो आपको पता चलता है कि जेड़ी अपनी अपनी बिजनेस है, ठीक है, अपने उन्हें फाइनेंशियल पोजीशन की है कि वो लॉस से जा रही है, प्रॉफिट से जा रही है, ठीक है, अपन इन फ्यूचर लिए आप डिसीजनस उन्होंने डिसीजनस मेड करने लिए आप की करते हैं रेशोज की हेल्प लेंगे, ठीक है। अपन अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन बारे पता चलता है, तो पहले ये नोट कर लो फिर आप आगे चलते हैं, ठीक है। इन्हें आप एक और चीज़ ऐड कर दें, शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स स्टार्ट कर दें आप क्वेश्चन। तो सब तो पहले आप कुछ क्वेश्चन नोट करोगे फिर आप उनका आंसर आप देखेंगे कि फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन अपना मशीनरी 35,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 75,000, डिबेंचर्स 1,50,000, कैश इन हैंड 25,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, ट्रेड पेएबल 60,000, इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक 60,000। एक क्वेश्चन है, फिर तुम क्वेश्चन नोट करो फिर आप देखते हैं अपन ना आंसर फाइंड कर दें, ठीक है। कर लिया नोट, आप फाइंड की करना है, फाइंड करंट रेशो। फाइंड की करना है करंट रेशो, फॉर्मूला की है करंट रेशो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हम आप देखते हैं करंट एसेट्स, देखने हैं कि करंट एसेट्स केड़े है। मशीनरी करंट एसेट नहीं है, ठीक है, एक केड़ा एसेट है नॉन करंट एसेट, क्योंकि मशीनरी नू आप एक साल के अंदर अंदर कैश से कन्वर्ट तो नहीं कर सकते जब एक बार ले ली, ठीक है। अपना आप जो आप करंट एसेट्स की लिस्ट बनाई सी, करंट लाइबिलिटीज़ की लिस्ट बनाई सी, वो जरूर ध्यान रखनी है, तुम रोज़ रिवाइज़ करते रहा करो ताकि माइंड से बैठ जाए, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स
ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ, ਐਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਲੋਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡ ਪੇਏਬਲ, ਟ੍ਰੇਡ ਪੇਏਬਲ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼, ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, 75,000, 25,000, 20,000, 60,000, 75,000, 25,000, 20,000, 60,000, ठीक है, ये अपने हो गए करंट एसेट्स। हुण देखने करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ कि सिर्फ इक्को ही है, ट्रेड पेएबल है ना, 60,000 अपॉन की आ जाएगा 60,000, अपन सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1,80,000 अपॉन 60,000, ठीक है, कटिंग कर लेंगे, 3 ये आ जाएगा 3/1, तो रेशो की आ गई अपनी 3:1, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। देखो इजी है ना, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ 35,000 ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ, ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ। ₹5 ਲੱਖ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ, ₹2 ਲੱਖ long term liabilities, ₹1 lakh investment, ₹2 lakh नेक्स्ट अपना शेयर होल्डर्स फंड, ₹3,50,000। फाइंड की करना है अपना करंट रेशो, ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ।
फिर सब तो पहले ये ध्यान रखना है कि टोटल एसेट्स दे विच की आएगा। टोटल एसेट्स विच की आएगा अपना फिक्स्ड एसेट्स, प्लस करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कि होंगे जो आप काफ़ी टाइम ले आप यूज़ करते हैं, लाइक 5 ईयर्स 10 ईयर्स, ठीक है, वह होंगे अपने फिक्स्ड एसेट्स। एग्जाम्पल जिमें मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है। प्लस आएगा इन्वेस्टमेंट। टोटल एसेट्स वैसे तो होंगे फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, बट इस क्वेश्चन उन्होंने नाल इन्वेस्टमेंट भी दी हुई आप इन्वेस्टमेंट भी आप कंसीडर करांगे, ठीक है। हम आपको पता नहीं है ना कि इन्वेस्टमेंट कि है, शॉर्ट है या लोंग है, सो आपू एज्यूम करांगे कि यह लोंग टर्म इन्वेस्टमेंट है। टोटल एसेट्स किन्ने अपने 5 लाख इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स किन्ने 2 लाख प्लस करंट एसेट्स आप गिवन ही नहीं है, ठीक है। आप करंट एसेट्स नो भी लिख लें प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी अपनी 2 लाख, तो आ बन गया 4 लाख। 5 लाख टू 4 लाख आप माइनस करांगे तो अपने करंट एसेट्स कितने आ जाएंगे 1 लाख, ठीक है। करंट एसेट्स अपने आ गए 1 लाख। हूँ अपन निकालनी है करंट लाइबिलिटी, ठीक है। जो आप लास्ट लैक्चर आप डिस्कस किया बैलेंस शीट, मैं तुम यही दसिया से ना कि एसेट साइड से लाइबिलिटी साइड जो टोटल होंगे सेम होंगे, है ना। देखो जब आप बैलेंस शीट बनावेंगे तो टोटल एसेट्स 5 लाख है, इना मीनस कि बैलेंस शीट टोटल 5 लाख होएगा, तो वो जी लाइबिलिटीज़ है लाइबिलिटीज़ भी 5 लाख होनी है, ताइयों उन्होंने सेम होएगा टोटल, है ना। अब तो आप यही मनाएंगे कि जो लाइबिलिटीज़ ने वो किनिया ने 5 लाख टोटल लाइबिलिटीज़। टोटल लाइबिलिटीज़ इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज़ ने अंडर की आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मीन्स आप कैपिटल मान के चलते हैं, ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज के अंडर की आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मीन्स आप कैपिटल कंसीडर करके चलेंगे, शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो करंट लाइ जो आप बैलेंस शीट आप देखी सी लास्ट लैक्चर, सब तो पहला की सी लाइबिलिटीज, सॉरी कैपिटल, लाइबिलिटी कॉलम विच की सी अपना सब तो पहला कैपिटल, कैपिटल तो बाद आप लाइबिलिटीज लिखनिया स्टार्ट कीतियां सी बैंक लोन, क्रेडिटर्स, ठीक है, बिल्स पेएबल, ये वही है। टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी हैं अपनी 5 लाख, क्योंकि एसेट कितने हैं, टोटल एसेट्स 5 लाख है तो टोटल लाइबिलिटीज भी 5 लाख होनी है। इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड 3,50,000 प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कितनी हैं 1 लाख प्लस करंट लाइबिलिटीज आपको पता नहीं आप फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप जो सॉल्व कर लेंगे ये बन जाएगा 4,50,000, तो 5 लाख जब माइनस करेंगे तो अपनी करंट लाइबिलिटीज कितनी आ जाएगी 50,000, ठीक है। आप हूँ आप दोनों पता लग गए, करंट एसेट्स भी आपको मिल गए तो करंट लाइबिलिटीज भी आपको मिल गई। आप फाइंड की करना है करंट रेशो फॉर्मूला लगावांगे,
करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। टू इज टू वन, ठीक है। देख लो क्वेश्चन, हूँ जो किसी का कोई भी डाउट है तो अपना डाउट पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्किंग कैपिटल 2 लाख, ट्रेड पेएबल 50,000, अदर करंट लायबिलिटीज 1,50,000, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, फाइंड की करना है अपा, अदर करंट लायबिलिटीज 1 लाख है, फाइंड की करना है, फाइंड करंट रेशियो, सब तो देखा करंट रेशियो फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। हम अपने को करंट लाइबिलिटीज तो है बट करंट एसेट्स नहीं है, ठीक है। सब तो आप देख लेना करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेएबल 50,000, अदर करंट लाइबिलिटीज 1 लाख। तो आप की करेंगे, ये दोनों अपनी करंट ट्रेड पेएबल भी अपनी करंट लाइबिलिटी है, तो लिखिए अदर करंट लाइबिलिटीज मीन्स ट्रेड पेएबल को छट के जी होर अपनी करंट लाइबिलिटीज है वो 1 लाख। आप की करेंगे इन्हों पर ऐड कर लेंगे, ठीक है, ये अपनी आ जाएगी करंट लाइबिलिटी टोटल, ठीक है। इन पर क्वेश्चन करना किए हैं, आपको दिता वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, तुसी नोट कर लो क्योंकि बहुत जगह अगे यूज होना है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, एक चीज होर, वर्किंग कैपिटल द मीन्स है नेट वर्किंग कैपिटल, उनका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अगर एग्जाम च आवे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो उनका की होएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की होंगे करंट एसेट्स, ठीक है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की होंगे अपने करंट एसेट्स, जे वर्किंग कैपिटल इकला लिखा तो इन्हें मतलब की है नेट वर्किंग कैपिटल, उनका फॉर्मूला की है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। आप गिवन है वर्किंग कैपिटल, तो आप फॉर्मूला कड़ा कंसीडर करांगे करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल अपन कितनी देती है 2 लाख इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपने को है नहीं उन्हें लिख देंगे माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कितनी है अपनी 1,50,000, ठीक है। आप दोनों ऐड कर दिता ना, ठीक है, 1,50,000 किदा आया 50,000 प्लस 1 लाख। सो इन सॉल्व करके
करंट एसेट्स अपने किन्ने आ गए 50,000, सॉरी 3,50,000। करंट एसेट्स अपने किन्ने आ गए 3,50,000। ठीक है, ये 1,50,000 से माइनस हो रहा है, इधर के प्लस हो जाएगा, तो करंट एसेट्स अपने आ गए 3,50,000। हुण आपां वही फॉर्मूला लगाना है करंट रेशियो वाला, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज अपना आ गया 7/3। ठीक है, अपनी रेशियो कितनी आ गई 7:3। हो सकता है थानू एग्जाम 7:3 दिता हो या अपन डिवाइड कर लेने 2 ते जाएगा बस नहीं 2.3:1। कई बार एग्जाम ये हो सकता है थानू आना दिता होवे ये दिता होवे। ठीक है, नोट कर लो फिर आप अगला क्वेश्चन कर दें। मैं तुम्हें दो क्वेश्चन होमवर्क लिए दे रही हूँ, ठीक है, उन्होंने सॉल्व करके आंसर्स मैं कमेंट सैक्शन दसने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क लिए है करंट एसेट्स 5,00,000, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक 2,00,000, ₹3,50,000 की है वर्किंग कैपिटल। कैलकुलेट करंट रेशियो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जरा तुम ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा होमवर्क है, तुम आंसर भी कमेंट बॉक्स दसना है। करंट रेशियो 1.5:1, करंट एसेट्स है 1,50,000। ठीक है, कैलकुलेट की करना है तुसी करंट लायबिलिटीज, ठीक है, ये तुहाडा होमवर्क है, तुसी इन्हां दे आंसर्स मैनू कमेंट बॉक्स दसने हैं। एक होर सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर च आ जाता है कि आइडियल करंट रेशियो केड़ी हुंदी है, पेपर च डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आइडियल करंट रेशियो केड़ी हुंदी है, आइडियल करंट
रेशियो इंडिया 2:1। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो आप नोटबुक से। आइडियल करंट रेशो केड़ी होंगी है 2:1। टू मीनस अपने करंट एसेट्स, वन मीनस अपनी करंट लाइबिलिटीज़। मीनस जिन्हें भी अपनी करंट लाइबिलिटीज़ है, अपनी आ करंट लाइबिलिटीज़ है, करंट एसेट्स है, जिन्हें भी अपनी करंट लाइबिलिटीज़ है, एसेट्स अपने उस तो डबल होने चाहिए है। लाइक अगर अपनी करंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख है तो अपने एसेट्स 2 लाख होने चाहिए है। अगर अपनी करंट लाइबिलिटीज़ 2 लाख है तो अपनी करंट एसेट्स 4 लाख होने चाहिए है। मीन्स ना डबल होना चाहिए है। तो आइडियल करंट रेशो की अपनी 2:1। ठीक है, सो ए सी अपनी अपने क्वेश्चन करंट रेशो वाले। हम आप डिस्कस कर दिया क्विक रेशो। आई होप तुम समझ आ रहे होंगे। कर रहे हैं क्विक रेशो। क्विक रेशो दे होर भी बहुत सारे नेम ने, इनू एसेट टेस्ट रेशो भी कहते हैं। ठीक है, और इन्हें कहते लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, लिक्विडिटी या लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो। इन्हें चो कोई भी आ सकता है एग्जाम, तुम कुछ ही पूछ सकते क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, या कोई इन्हें चो कोई भी नेम आ सकता, तो कन्फ्यूज नहीं होना। अब फॉर्मूला कैसे लगाना है क्विक रेशो वाला। ठीक है, बस इन्हें फॉर्मूला सेम ही है, बस नेम अलग अलग है। ठीक है, सब तो पहले अपन का फॉर्मूला देख लें। क्विक रेशो का फॉर्मूला की होंगे, क्विक रेशो का फॉर्मूला आलमोस्ट करंट रेशो का फॉर्मूले वर्ग ने विद लिटल चेंजेस होंगे। कुछ करंट एसेट्स, ठीक है, अपॉन करंट लाइबिलिटीज, उवें लिखना तुसी। हुण देखो जो आप करंट रेशो की सी, आप फॉर्मूला लगाया करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। आप करंट एसेट्स स्टॉक भी आप काउंट करते सी, ते प्रीपेड एक्सपेंसिज भी काउंट करते सी। बट जो आप क्विक रेशो फाइंड आउट करनी है, तो आप करंट एसेट्स विचों पहला माइनस करांगे स्टॉक, फिर प्रीपेड एक्सपेंसिज, प्रीपेड एक्सपेंसिज। ये ना फॉर्मूला बन जाएगा, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसिज अपॉन करंट लाइबिलिटीज। मीनस आप जे करंट एसेट्स विचों आ दोनों माइनस करके जो अपने को टर्म आएगी वो आएगी अपनी क्विक एसेट्स। अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये इनका क्विक रेशो का फॉर्मूला बन गया। कि क्विक रेशो का ये फॉर्मूला बन गया, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, क्विक एसेट्स आप फाइंड आउट किदा करांगे, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब माइनस करके वो अपने को आ जाएगी करंट सॉरी क्विक एसेट्स। ठीक है, पेपर च ये पूछ सकते हैं कि क्विक आइडियल क्विक रेशो केड़ी होंगी है, ये नोट कर लो। फिर आप देखते हैं आइडियल क्विक रेशो। आइडियल क्विक रेशो की होती है 1:1। ठीक है, ये तुसी नोट कर लो। आप चलते हैं इन्हें क्वेश्चन से।
क्वेश्चन देखते हैं इनका। करंट एसेट्स 1 लाख, इन्वेंट्रीज 20,000, करंट लायबिलिटीज 37,500, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000। ठीक है, फाइंड की करना है क्विक रेशियो। फाइंड की करना आपा क्विक रेशियो। पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आपा देखते हैं इन्हें सॉल्यूशन। क्विक रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितने अपने 1 लाख माइनस स्टॉक, स्टॉक मीन्स इन्वेंट्रीज, कंफ्यूज नहीं होना, इन्वेंट्रीज दिता होगा या स्टॉक दिता होएगा, माइनस 5,000। ठीक है, वो हमें देखनी है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी अपन गिवन नहीं है, 37,500। ये सॉल्व करके आ जाएगा अपने कुल 2:1। तो अपने क्विक रेशियो आ गई 2:1, ये अपना आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन पूछ लेवे। एक क्वेश्चन तुम दे रही हाँ होमवर्क लिए क्विक रेशो का, बिकॉज एक दिन काफ़ी सारा करवाना भी ईजी नहीं है, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स का कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, कुछ का नहीं, उन्होंने भी डिफिकल्ट हो जाता है काफ़ी सारा कुछ एक दिन से कवर करना। सो आप एक क्वेश्चन तुम होमवर्क लिए दे रही हाँ, दो क्वेश्चन तुम पहला दिते हैं, एक क्वेश्चन होने दे रही हाँ। ये दो तीनों क्वेश्चन के आंसर मैं तुम कॉमेंट बॉक्स दोगे। ठीक है, नैक्सट लैक्चर आप कॉन्टीन्यू करा करंट रेशो तो क्विक रेशो वाले क्वेश्चन ना ही। ठीक है, होमवर्क वाले क्वेश्चन है करंट एसेट्स कैश इन हैंड 20,000, इन्वेंट्रीज 40,000, ट्रेड रिसीवेबल्स
25,000 ठीक है, करंट होने आए हैं, करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेएबल्स, फाइंड की करना है, फाइंड करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ठीक है, ये थोड़ा होमवर्क लिए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और दे दें या करंट लाइबिलिटीज टू लैख वर्किंग कैपिटल 6 लाख इन्वेंट्रीज 3 लाख क्रेडिटर्स 50,000 कैलकुलेट क्विक रेशियो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े होमवर्क लिए ने टू क्वेश्चन सन पहला दिते गए सी टू क्वेश्चन यही ने तुसी इन्हां दे आंसर्स कमेंट बॉक्स दसने हैं सो अज लई इन्ना ही नैक्सट लैक्चर आप कॉन्टीन्यू करांगे थैंक यू